सो गाइस आज के इस वाला वीडियो का अंदर मैं आप लोगों को पिक्सेल ऐप के यूज के लिए कुछ इस टाइप का सीवी रेडी करना ओके एंड बैकग्राउंड के ऊपर बुके इफेक्ट डालना सारी स्टेप इस वाला वीडियो के अंदर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो वाला वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना ओके। वीडियो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनने वाला है, इस वीडियो को अभी से ही लाइक कर देना। चैनल पर आप लोग नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही बहुत सारा वीडियो देखने के लिए। एंड गाइस ये वाला वीडियो लेट हो गया, यानी कि मैं सुबह वीडियो अपलोड करता हूँ एंड ये वाला वीडियो मैं शाम को अपलोड कर दिया ओके। तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट वगैरह दिखा देना ठीक है। एंड मुझे इंस्टा पे भी अभी तक नहीं फॉलो किया तो क्या कर रहे हो, जाओ भाई मेरे इंस्टा पे रेगुलरली अपडेट रहता हूँ ठीक है। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लो, इंस्टा का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ओके। सो चलिए वीडियो के आप स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सबसे पहले आप लोगों को फोटो को ओपन कर लेना है पिक्सेल ऐप के अंदर ओके। एंड आप देख सकते हैं मैं पिक्सेल ऐप के अंदर पहले से फोटो को ऐड करके रख दिया हूँ, तो आप लोगों को डायरेक्टली ओपन कर लेना है फोटो को पिक्सेल ऐप के अंदर ठीक है। फोटो को पिक्सेल ऐप के अंदर ओपन करने के बाद आप लोग सबसे पहले वाला फोटो के अंदर आप लोगों को सैचुरेशन के ऐड कर लेना है। सैचुरेशन ऐड करने के लिए आप लोग जाना है टूल्स वाला आइकन के अंदर एंड इसके अंदर से आप लोग को एडजस्ट टूल को सिलेक्ट कर लेना एंड यहाँ पे आप लोग को नीचे मिल जाएगा सैचुरेशन ओके। इसको आप लोग सिलेक्ट कर लेना है, इसके अमाउंट को आप लोग को 100 कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसके अमाउंट को 100 कर लिया ओके। एंड इरेजर टूल के अंदर क्लिक करके मैं यहाँ पे इरेजर को सिलेक्ट कर लूँगा एंड वाला इफेक्ट को मैं फेस से रिमूव कर लूँगा ठीक है। तो मैं यहाँ पे वाला इफेक्ट को फेस एंड हैंड से रिमूव कर लेता हूँ इस टाइप से। तो आप लोग को भी इसी टाइप से सब कुछ इफेक्ट को रिमूव कर लेना ठीक है ओके। सो इस टाइप से आप लोग इफेक्ट वगैरह को रिमूव करने के बाद आप लोग राइट पे क्लिक कर लेना है। तो फिर से मैं यहाँ पे राइट पे क्लिक कर लेता हूँ ठीक है। एंड मैं फिर से ये वाला फोटो के अंदर थोड़ा सा सैचुरेशन को ऐड कर लूँगा। तो अगर आप लोग को जरूरत नहीं है तो आप लोग नहीं ऐड करना ठीक है। तो मुझे लगा ये वाला फोटो के अंदर और भी ज़्यादा सैचुरेशन ऐड करना है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ ठीक है। मैं इस टाइप से इसका अमाउंट को बढ़ा लूँगा एंड रिजर्व टूल के अंदर क्लिक करके मैं यहाँ पे फिर से इरेजर को सिलेक्ट करके कुछ इस टाइप से इसका फेस से वाला इफेक्ट को रिमूव कर लूँगा ठीक है। सो इसी टाइप से आप लोग को भी रिमूव कर लेना है ठीक है। तो मैं यहाँ पे पूरा ही रिमूव कर लेता हूँ ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हो वाला इफेक्ट को मैं रिमूव कर लिया। अब मैं यहाँ पे राइट पे क्लिक कर लूँगा तो आप लोग को भी इसी टाइप से राइट पे क्लिक कर लेने। अब आप लोगों को जाना है इफेक्ट टूल के अंदर ओके। एंड इफेक्ट टूल के अंदर आने के बाद आप लोग ये वाला फोटो का बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लेने। तो बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए आप लोग जाना है कलर टूल के अंदर ठीक है। इसके अंदर से आप लोग यहाँ पे मिल जाएगा कलर रिप्लेस, इसको आप लोगों को सिलेक्ट कर लेने। प्लस वाला आइकन को बैकग्राउंड को कलर के अंदर छोड़ना है एंड इसका रिप्लेस यू को आप लोग इधर उधर करके देख लेना। आप लोगों को फोटो के हिसाब से आप लोग कलर को रख लेना। तो मैं यहाँ पे रेड कलर रखने वाला हूँ ठीक है। एंड इरेजर टूल के अंदर आप लोगों को क्लिक करना है ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को इरेजर टूल मिलेगा, इसके ऊपर आप लोग टैप कर लेने। फोटो को जूम करके आप लोगों को देख लेना ये वाला इफेक्ट कहाँ कहाँ पे आया है ठीक है। तो आप लोग का एक ही प्रॉब्लम रहता है एंड आप लोग बार बार कमेंट भी करते हो भाई आप लोग जो बैकग्राउंड कलर चेंज का ट्रिक बताते हो वो तो कर लेता हूँ लेकिन इफेक्ट वगैरह बॉडी के अंदर भी आ जाता है ठीक है। तो इसको आप लोग रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के लिए आप लोग इरेजर टूल को सिलेक्ट कर लेना है एंड कुछ इस टाइप से इसको रिमूव कर पाओगे ठीक है। तो मैं आप लोग को पूरा ही रिमूव करके दिखा देता हूँ ठीक है, किस टाइप से आप लोगों को पूरा रिमूव करना है। सो इस टाइप से रिमूव कर सकते हो अगर आप लोगों को फेस वगैरह के अंदर इफेक्ट वगैरह आ जाए तो ओके। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ पे राइट पे क्लिक कर लेता हूँ एंड फिर से राइट पे क्लिक कर लेता हूँ ओके। सो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो चुका है यहाँ पे देख सकते हैं ओके। अब मैं आप लोग बताऊँ आप लोग इसका फेस को कैसे व्हाइट कर पाओगे। फेस को व्हाइट करने के लिए आप लोग यहाँ पे मिल जाएगा रिस्टच टूल, इसके ऊपर आप लोग टैप कर लेने ओके। इसके ऊपर टैप करने के बाद आप लोगों को लास्ट को जाना है, यहाँ पे आप लोगों को मिस जाएगा स्किन टूल, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लेने। ये वाला कलर को आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना ओके। एंड ऑटो को सिलेक्ट कर लेने। ऑटो को सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि देख सकते इसका फेस व्हाइट हो चुका है ठीक है। फोटो के हिसाब से रख लेना, तो मैं यहाँ पे 46 या 5 रख लिया। अब मैं यहाँ पे राइट पे क्लिक कर लूँगा, बिफोर आफ्टर देख सकते कितना ज़्यादा अंतर हो चुका है वाला फोटो के अंदर ठीक है। एंड फिर से मैं राइट पे क्लिक कर लूँगा एंड यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फोटो का बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो चुका है, फेस भी व्हाइट हो चुका है ओके। अब आप लोग सिर्फ ये वाला फोटो का शर्ट का कलर को चेंज कर लेना, वो भी सीवी जैसा। तो वाला कलर को ऐड करने के लिए आप लोगों को जाना है ड्रॉ टूल के अंदर ठीक है। ड्रॉ टूल के अंदर आने के बाद आप लोगों को जाना है लेयर टूल के अंदर। लेयर टूल के अंदर क्लिक करने के बाद पहले से एक एम्प्टी लेयर होगा, इसके ऊपर आप लोग काम कर लेना। तो जाना आप लोगों को सीधा ब्लेंड टूल के अंदर, इसके अंदर से आप लोगों को ओवरली सिलेक्ट कर लेना ठीक है। नीचे आप लोगों को मिल जाएगा ओवरली, इसको आप लोगों को सिलेक्ट कर लेने। एंड कलर टूल के अंदर जाकर आप लोग किसी भी कलर को सिलेक्ट कर लेना। तो मैं आप पे येलो कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ ठीक है। एंड ब्रश को सिलेक्ट करके कुछ इस टाइप से मैं आप पे ब्रश कर लूँगा ठीक है। तो आप लोग को भी इसी टाइप से ब्रश कर लेना पूरा फोटो के अंदर, यानी कि पूरा फोटो का शर्ट के अंदर। तो मैं आप पे पूरा ही शर्ट के अंदर इसी टाइप से ब्रश कर लेता हूँ ठीक है। एंड वीडियो को भी हल्का सा फास्ट कर लेता हूँ।
ओके सो इसी टाइप से आप लोग कलर वगैरह को कर लेना आप लोग शर्ट के अंदर, ठीक है। एंड अगर एक्स्ट्रा पार्ट पे रह जाए तो आप लोग इसको इरेज भी कर सकते हो बाद में। यहाँ पे देख सकते हैं मैं इरेज कर लिया। ओके आप लोग ये वाला फोटो को डायरेक्टली सेव कर लेना है गैलरी के अंदर। ओके एंड ये वाला फोटो को आप लोग को आफ्टर फोकस ऐप के अंदर ओपन करके आप लोग को इसका बैकग्राउंड ब्लर कर लेना है, ठीक है। एंड कि बैकग्राउंड के अंदर बुके इफेक्ट डाल लेना है। तो बुके इफेक्ट डालने के लिए सबसे पहले तो आप लोग ये वाला फोटो को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आप लोग को थ्री डॉट का आइकन के अंदर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे मिल जाएगा आप लोग को सेव इमेज, इसके ऊपर टैप कर के आप लोगों फोटो को सेव कर लेना है। एंड यही वाला फोटो आप लोगों को आफ्टर फोकस ऐप के अंदर ओपन कर लेना, ठीक है। ओके यहाँ पे देख सकते हैं मैं आफ्टर फोकस ऐप को ओपन कर लिया, ठीक है। आप लोगों को भी इसी टाइप से आफ्टर फोकस ऐप को ओपन कर लेना है। जाना आप लोगों को एल्बम के अंदर, इसके अंदर से आप लोग फोटो को ऐड कर लेना है। सो जैसे कि देख सकते हैं मैं ये वाला फोटो को एडिट किया हूँ अभी पिक्सआर्ट से एंड सेव भी किया हूँ, ठीक है। ये वाला फोटो को मैं आप पे ऐड कर लेता हूँ। ये वाला फोटो को आप लोगों को ऐड करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को कुछ इस टाइप से मॉडल के ऊपर एक लाइन को क्रिएट कर लेना, ठीक है, फुल मॉडल के ऊपर। तो मैं यहाँ पे इसका मॉडल के ऊपर कुछ इस टाइप से लाइन को क्रिएट कर लेता हूँ फटाफट, ठीक है। तो आप लोग को भी इसी टाइप से मॉडल के ऊपर लाइन को क्रिएट कर लेना है। ओके एंड इसी टाइप से आप लोग कर लेना है। थोड़ा सा आप लोग को टाइम देके करना है, टाइम देके नहीं भाई आप लोग थोड़ा सा सॉफ्टली कर लेना है, ठीक है। सेव वाला लाइन सेव मॉडल के ऊपर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो इस टाइप से लाइन को क्रिएट करने के बाद मॉडल के ऊपर आप लोग को ये वाला टूल को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये वाला टूल को सिलेक्ट करने के बाद अब आप लोग को मॉडल का बाहर का साइड में ये वाला लाइन को क्रिएट कर लेना है, ठीक है। एंड कि बैकग्राउंड के ऊपर, सो जैसे कि देख सकते हैं मैं बैकग्राउंड के ऊपर ये वाला लाइन को क्रिएट कर लिया। सो इसी टाइप से आप लोग लाइन को क्रिएट कर लेना है। एंड अगर एक्स्ट्रा पार्ट वगैरह छूट जाए तो आप लोग इसको सिलेक्ट कर लेना एंड मॉडल के ऊपर ब्रश कर लेना। ओके तो मैं अभी इसी टाइप से मॉडल के ऊपर ब्रश कर लेता हूँ। आप लोग को भी इसी टाइप से करना है एंड बैकग्राउंड के ऊपर बुके इफेक्ट डालना है। ओके यानी कि बैकग्राउंड को आप लोग को ब्लर कर लेना है एंड सीवी एडिटिंग एक कर लेना है। ओके तो देख सकते हैं यहाँ पे हो गया, ठीक है, सारे स्टेप यहाँ पे कंप्लीट भी हो गया। एंड आप लोग को भी इसी टाइप से कंप्लीट कर लेना है। ओके इस टाइप से कंप्लीट करने के बाद अब आप लोग को नेक्स्ट के अंदर क्लिक कर लेना। नेक्स्ट के अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर बुके इफेक्ट आ चुका है, ठीक है। तो आप लोग को क्लिक कर लेना ब्लर टूल के अंदर एंड यहाँ पे इसका ब्लर को आप लोग को 100 की तरफ रखना है। ओके तो मैं आप इसका ब्लर का अमाउंट को 100 ही रख लेता हूँ। ओके अब मैं जाता हूँ इस ब्लर टूल के अंदर, ठीक है। इस ब्लर टूल के अंदर आने के बाद आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है ये वाला टूल को, ठीक है। बुके को आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है एंड इसका बुके के अमाउंट को आप लोगों को 100 रखना है, ठीक है। एंड फोटो के अंदर आप लोग का ऑटोमेटिकली बुके इफेक्ट आ जाए कुछ इस टाइप से, ठीक है। एंड इस टाइप से आप लोग एडिटिंग कर पाओगे सीवी, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही इजी स्टेप के अंदर आप लोग फोटो एडिटिंग करना सीखा दे। आप लोगों को किसी भी बैकग्राउंड को चेंज भी नहीं करना पड़ा एंड सीवी एडिटिंग आप लोगों को कुछ इस टाइप से रेडी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फोटो एडिटिंग हो चुका है कंप्लीट। फोटो को सेव करना है। सेव करने के लिए आप लोगों को सेव टूल के अंदर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करके फोटो आप लोग गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा फुल एडिटिंग होने के बाद। ओके सो गाइस ये वाला वीडियो आप लोग कैसे लगा कमेंट करके जरूर बता देना। एंड आज का वीडियो इतना ही था, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।